निर्मल कौर सर, मैम ये जरा ये समझाइए, प्रशासन को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जब एक प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू है अधिकारियों पर भी दबाव होता है, या क्या बिना मिली भगत के ये संभव हो सकता है किस तरह बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जाए, धड़ल्ले से बिके, 40 लोगों की मौत हो जाए, कई लोग कह रहे हैं आंकड़े और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और सबसे भयावह है कि ये इतनी वाइड स्प्रेड है, सिवान में भी हो रहा है, समस्तीपुर में भी, जगह जगह ये मौतें हुई हैं और इस तरह की भयानक मौतें हुई हैं, इसके बावजूद कि वहां शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी को सरकार ने बहुत गंभीरता से लागू किया है। आईजी प्रोहिबिशन का भी एक नया पद सृजित किया गया था, खाली शराबबंदी लागू करने के लिए एक आईजी लेवल का नया पद बनाया गया था, और वहां के जो आबकारी मंत्री हैं श्री सुनील कुमार, वे स्वयं पूर्व में आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वरीय आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उसके बावजूद शराबबंदी में के बावजूद इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं मैम, समाज के लिए, व्यक्ति, मैं आपसे बहुत ही पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये घटनाएं आरजेडी सरकार में भी हुई, जेडीयू सरकार में भी लगातार हो रही हैं, हर कोई सत्ता पलटते बयानबाजी करता रहता है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को पुलिस कर्मियों से, प्रशासन से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, कोई दबाव पुलिस कर्मियों पर होता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिना दबाव के, बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन ये शराब का रैकेट जो सिंडिकेट है ये वैसे ही काम कर रहा है। देखिए, देसी जो चलाना, देसी चलाना कहते हैं, देसी शराब, बिहार में मैंने काफी साल तक काम किया, देसी चलाना वहां एक बहुत ही आम बात है, देसी शराब बनाते हैं वो लोग, कभी महुआ से, कभी कहीं से, कभी फुटबॉल में भर के स्मगल करते हैं, और अब तो क्योंकि शराब बंदी है तो ये और ज्यादा बड़े पैमाने पर हो गई है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें अगर मेरी व्यक्तिगत राय, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी कह रही है कि देखिए शराबबंदी पर दोबारा से मंथन किया जाए, क्या इस पर मंथन आप करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और क्या शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों को साथ एक चश्मे से देखें या अलग अलग? जल्दी से। जहरीली शराब से जितने भी लोग मरे हैं, वाकई ये दुखद घटना है, भयानक भयावह घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये उठा रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि हजारों लीटर, लाखों लीटर पुलिस पकड़ती है, तो प्रशासन पकड़ती है या कि आरजेडी या जेडीयू के लोग पकड़ते हैं? प्रशासन तो काम करती है, मैंने पहले भी कहा कि अगर अच्छा काम होता तो श्रेय मुझे मिलेगा, कमियां अगर होंगी तो मुझे भी दोष लगाया जाएगा। तो तारीफ करने के लिए सर आप अपना प्रचार प्रसार करेंगे, कटाक्ष करने, सवाल पूछने के लिए हम बैठे। एक छोटा सवाल रूपेश, जाने पहले, क्या ऐसा कर रहे हैं कि भविष्य में ये घटनाएं नहीं होंगी, क्या सबक लिया आपने ऐसा? उसके बाद रूपेश बजाना मुझे जल्दी से। नीतीश कुमार से जब पूछा गया, नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम समीक्षा करेंगे, आनंद फानन में उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई, छठ के बाद उन्होंने कहा मैं बृहद समीक्षा करूंगा, लेकिन पिछले 5 सालों में 50 बार समीक्षात्मक बैठक हुई है, मद्य निषेध विभाग के मंत्री को जानबूझकर उनको बनाया गया, जो ADG रहे हैं यानी कि जिन्होंने पुलिसिंग की है उनको इस विभाग का मंत्री बनाया जाए तो शायद रिजल्ट बेहतर आएगा, लेकिन JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कुतर्क दे दिया कि हत्या के लिए भी कानून है फिर भी हत्या होती है, शराबबंदी के लिए कानून है इसलिए शराब फिर भी बिक रहा है। लेकिन सबसे अहम है, अफजल अब्बास साहब ने कहा कि क्या सरकार किसी को माफ करती है, अब्बास साहब सरकार माफ कर रही है, क्योंकि सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दो सवाल हैं, पहला तो यह कि 3 लाख लोग कौन हैं, इसमें कितने माफिया जी? रूपेश देखिए, वक्त कम है, सभी मेहमानों से भी हम कहना चाहेंगे, लेकिन आखिर में सवाल यही बरकरार है कि 45 मौतों के बाद समीक्षा हो रही है, और क्या बदलेगा यहां से कि अगली बार ऐसे इस खबर को लेकर हमें चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप सबसे आसान काम है, और इसको लेकर क्या उन परिवारों को सुकून मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नाम अगर आपका क्रेडिट का तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।